हेलो चिल्ड्रन, आज हम चैप्टर 19 का अपना लास्ट टॉपिक लेंगे जो कि है लाइफस्टाइल ऑफ ईस्टर्न इंडिया। तो द स्टेट ऑफ बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय एट्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन ईस्टर्न इंडिया। तो जो ईस्टर्न पार्ट है, जो अपना पूर्वी पार्ट है इंडिया का, उसमें कौन कौन से स्टेट्स कवर होते हैं? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय इत्यादि। ऑफ दीज ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल हैव सी कोस्ट। इनमें से जो ओडिशा वेस्ट बंगाल है वो दरिया किनारे हैं, नदी के किनारे सी कोस्ट के पास हैं। फूड, इन यहाँ के लोगों का जो फूड हैबिट्स है वो देखेंगे। पीपल इन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल टेक रोटी वेजिटेबल बट यूज मोर राइस इन देयर मील। तो बिहार के जो लोग हैं वो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल के लोग रोटी वेजिटेबल लेते अपने डाइट में लेते हैं, बट राइस सबसे ज़्यादा वो लेते हैं। राइस इज़ अ स्टेपल डाइट इन माउंटेनियस रीजन। राइस जो है पहाड़ी इलाकों का मेन डाइट है। दे ऑल्सो यूज पल्सेस ग्रीन वेजिटेबल इन देयर मील्स। दाल, हरी सब्जियाँ ये भी साथ ही साथ लेते हैं वो लोग अपने खाने में। रसगुल्ला एंड संदेश आर देयर फेवरेट स्वीट। तो बंगाल का जो फेमस स्वीट है वो है रसगुल्ला और संदेश। सत्तू इज अ स्पेशल डिश ईटन इन बिहार। टी इज अ वाइड स्प्रेड ड्रिंक इन असम। तो ये जो सत्तू है ये एक टाइप का आटा ही होता है जो चना, ज्वार सभी ग्रेन्स को मिलाकर उसका आटा बनाया जाता है, जो वो लोग बिहार के लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी डाइट में। और जो टी है पूरे आसाम में सबसे ज़्यादा पी जाती है, क्योंकि आसाम ऐसे भी टी के लिए काफ़ी फेमस है कि वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है टी का। नाउ ड्रेसिंग, यहाँ के लोगों का ड्रेसिंग कैसा है? बिहारी पीपल वेयर धोती, झब्बो, खेस ऑन शोल्डर एंड पाग हेड गियर। तो जो बिहार के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कुर्ता पैजामा ये पहनते हैं और गमछा रखते हैं कंधे पर, और कई बार उस गमछे की ही पगड़ी भी बना लेते हैं। कुछ हार्ड वर्क होता है या फिर गर्मी ज़्यादा होती है तो वुमेन पुट ऑन साड़ी, पेटीकोट एंड ब्लाउज। वुमेन का ब्लाउज, पेटीकोट, साड़ी जो है वो कॉमन है। देर इज़ नॉट मच डिफरेंस इन द अटायर ऑफ पीपल इन झारखंड, असम एंड ओडिशा। तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ के लोगों में बिहार से, कि झारखंड और ओडिशा बंगाल के जो लोग हैं इन लोगों में काफ़ी डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेंगे, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। बंगाली लेडीज़ वेयर साड़ी इन बंगाली स्टाइल एंड जेंट्स पुट ऑन प्लेटेड विथ फोल्ड्स धोती एंड सिल्कन झब्बो। तो जो लेडीज होती हैं बंगाली स्टाइल में साड़ी पहनती है, और जो जेंट्स होते हैं वो क्या कुर्ता पैजामा पहनते हैं जो झब्बा बोलते हैं हम, बट वो सिल्क क्वालिटी का होता है, कॉटन के नहीं, सिल्क के वो लोग पहनते हैं। अभी ड्वेलिंग, वहाँ के लोगों का जो रहन सहन है, जो आवास, जो घर है वो कैसे होते हैं। पीपल इन प्लेन रीजन लिव इन हाउसेस मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। तो जो प्लेन रीजन है वहाँ के लोग तो ब्रिक्स और सीमेंट के बने घरों में रहते हैं। पीपल इन माउंटेन्स यूज़ वुड एंड बैम्बू इन देयर हाउसेस। तो और जो माउंटेनियस रीजन में हैं वो लोग बैम्बू और वुड का यूज़ करते हैं अपने घरों की छत के लिए। स्लैंटिंग रूफ आर सीन इन द रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल। जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ की छतें, वहाँ की जो रूफ है वो कैसी होती है, स्लैंट, तिरछी होती है। इन बंगाल देयर इज़ ए पुकूर इन द स्मॉल पॉन्ड इन द रेयर पार्ट ऑफ हाउस। तो घर के किसी भी छोटे से कोने में ये लोग पुकूर, एक छोटा सा तालाब बना देते हैं बंगाल में। वेयर फिश इज रीच फॉर डेली यूज इन देयर, वेयर फिश इज रीच फॉर डेली यूज इन देयर मील। तो वहाँ पे वो छोटी छोटी मछलियाँ रखते हैं जिसको डेली अपने मील के मील में वो लोग लेते हैं। उस पुकूर में वो लोग वहाँ पे मछलियाँ स्टोर करते हैं जो फिश होती हैं। लैंग्वेज क्या है यहाँ के लोगों का? हिंदी इज स्पोकन इन झारखंड, बिहार एंड छत्तीसगढ़। मैथिली, भोजपुरी एंड मगधी आर डायलेक्ट्स स्पोकन इन बिहार।
तो हिंदी जो है मेन लैंग्वेज है इन तीनों स्टेट्स का, झारखंड बिहार और छत्तीसगढ़ का, बट मैथिली भोजपुरी या मगही जो है वो मेन बोली है बिहार की। आसामी इन आसाम, ओडिया इन ओडिशा एंड बंगाली इन बंगाल आर अदर स्पोकन लैंग्वेज इन द रेस्पेक्टिव स्टेट्स। बंगाल में बंगाली, असम में आसामी और ओडिशा में ओडी लैंग्वेज, उड़िया लैंग्वेज। गारो इन खासी लैंग्वेज आर स्पोकन इन मेघालय, मेघालय में गारो और खासी लैंग्वेज बोला जाता है। और मिजो डायलेक्ट इज यूज इन मिजोरम, और मिजो जो बोली है वो मिजोरम में बोली जाती है। अभी फेस्टिवल एंड हॉलीडेज, यहाँ के बिहू ऑफ आसाम एंड ओडिसी इन ओडिशा आर फेमस डांस स्टाइल। तो बिहू जो कि आसाम का फोक डांस है और ओडिसी ओडिशा का डांस है। द चैरियट प्रोसेशन ऑफ जगन्नाथ पुरी इज वर्ल्ड फेमस। तो जगन्नाथ पुरी में जो ये रथ यात्रा निकाली जाती है वो वर्ल्ड फेमस है। फेस्टिवल ऑफ छठ एंड भाई दूज इन बिहार एंड दुर्गा पूजा इन बंगाल आर सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट पॉम्प। तो बंगाल में दुर्गा पूजा, बिहार में छठ पूजा और भाई दूज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दस एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन फेस्टिवल एंड हॉलीडेज। तो हर एक स्टेट का अपना ही त्यौहार है, हॉलीडेज हैं। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, सो एवरी स्टेट सेलिब्रेट्स रिलीजियस एंड नेशनल फेस्टिवल। इन इंडिया फेस्टिवल ऑफ ऑल रिलीजन्स आर सेलिब्रेटेड विदाउट एनी बायस। तो इंडिया जैसे कि सेकुलर स्टेट है, धर्म निरपेक्ष है, किसी भी धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, हर एक धर्म ही की है, हर एक धर्म का एक समान रेस्पेक्ट किया जाता है और लोग अपनाते हैं। तो यहाँ पर सभी रिलीजन के जो फेस्टिवल्स हैं, हॉलीडेज हैं, वो लोग नेशन वाइज सेलिब्रेट करते हैं, तो बिना किसी रोक टोक के। लाइक टू नो मैं, इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया पीपल यूज द एडिबल ऑयल मेड फ्रॉम ऑयल सीड ग्रोन इन दैट रीजन। ग्राउंडनट ऑयल इन गुजरात, मस्टर्ड ऑयल नॉर्थ इंडिया, कोकोनट ऑयल इन साउथ इंडिया आर यूज एज एडिबल ऑयल्स। तो इंडिया में मतलब एडिबल ऑयल जो यूज़ किए जाते हैं, वहाँ के रीजन के हिसाब से जो भी प्रोडक्शन होता है, जैसे गुजरात में मूंगफली का प्रोडक्शन ज़्यादा है तो यहाँ पे ग्राउंडनट ऑयल ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मूंगफली का तेल। इसी तरीके से नॉर्थ साइड में मस्टर्ड का, सरसों की खेती ज़्यादा होती है तो सरसों का तेल यूज़ करते हैं। और साउथ में जैसे कि हमें पता ही है कि कोकोनट का प्रोडक्शन ज़्यादा है तो वहाँ कोकोनट ऑयल अपने फूड में वो लोग यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने ऑल फोर पार्ट्स देखे इस चैप्टर में कि वहाँ के लोगों के लाइफ स्टाइल कैसी है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, साउथ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया। तो आई होप कि आप लोगों को चैप्टर क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ गए होंगे और मज़ा भी आया होगा इस चैप्टर में, क्योंकि हमें अपने देश के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला कि लोगों का लैंग्वेज, ड्वेलिंग, ड्रेसिंग, फेस्टिवल कौन कौन से हैं, कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।